हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणा क्लासरूम चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था और उसके क्वेश्चन दिए थे, मैंने आपको 30 क्वेश्चन दिए थे, वो सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं, आप जो क्वेश्चन दिए थे, पहला क्वेश्चन मैंने आपको NO2 दिया था, तो NO2 को थोड़ा सा आप रोक के रखिए। NO2 को इसलिए रोक के रखिए कि उसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का, वो कॉन्सेप्ट हम आपसे डिस्कस करूंगा जब मैं आपके साथ VSEP द नेक्स्ट थ्योरी उसको खत्म करूंगा। तो उसको खत्म करने के बाद वो कॉन्सेप्ट करेंगे। वो क्वेश्चन मैंने लिख तो दिया था हाइब्रिडाइजेशन में, बट उसको थोड़ा सा स्टॉप करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था मेरे पास, होता है SO3। क्वेश्चन नंबर 2 था मेरे पास SO3, है ना, SO3 क्वेश्चन नंबर 2 था। अब SO3 में मेरे को बोला गया था कि कैसे निकालेंगे, तो SO3 अगेन SO3 अगर मेरे को हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो पहली चीज मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सेंट्रल एटम देखना पड़ेगा। सेंट्रल एटम क्या है इसमें, सल्फर। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखो, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। मेरे को कैसे पता चला 6 है, अंतर्यामी नहीं बेटा, अंतर्यामी थोड़ी हूं मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय साइड एटम्स, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम्स, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 6 3 ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम 3। लोन पेयर जब मैं निकालना चाहूंगा तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम डिवाइडेड बाय 2, व्हिच इज इक्वल टू क्या होगा, व्हिच इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, आपके पास लोन पेयर 0 आ गए। एटम्स अटैच कितने हैं मेरे पास, एटम्स अटैच जब मैं देखूंगा तो एटम्स अटैच हैं मेरे पास 3। तो यहां से अगर मैं स्टेरिक नंबर निकालूं तो स्टेरिक नंबर कितना निकलेगा, स्टेरिक नंबर निकलेगा मेरे पास 3 + 0 व्हिच इज इक्वल्स टू एटम्स अटैच प्लस लोन पेयर, एटम्स अटैच प्लस लोन पेयर विल गिव यू 3। अब ये क्या होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अगर स्टेरिक नंबर 3 होता है हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। समझ आती है, सिंपल क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास NCl3। क्वेश्चन नंबर 3 है NCl3, ठीक है। अब NCl3 में देखने में को क्या होगा, तो अगेन वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में कितने होते हैं, अंतर्यामी आ गया, अंतर्यामी बाबा ने कितना बताया 5 बताया, किसी को नहीं आया तो पूछ, किसी को नहीं आया तो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखो, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिंपल चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो सेंट्रल एटम्स का कौन है, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में इसकी लिखता हूं तो क्या होगी बेटा, 1s2 2s2 2p3, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 5, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, क्लोरीन को कितना चाहिए होता है, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो 3 क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 3 क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 3। अगर लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 1। लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया, एटम्स अटैच कितने हैं, लोन पेयर आया मेरे पास, तो यहां से स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं, स्टेरिक नंबर निकालूंगा तो कितना आएगा, स्टेरिक नंबर आएगा मेरे पास एटम्स अटैच, एटम्स अटैच कितने हैं 3 क्लोरीन है तो 3 एटम्स अटैच हैं, लोन पेयर कितना है 1, कितना हो गया 4, क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आई मेरे पास sp3, स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन 3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेरे पास NCl3 के पास है मेरे पास NF3। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, NF3 सिमिलर ही होगा, कैसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कौन है बेटा इसमें, नाइट्रोजन, अगर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5, इलेक्ट्रॉन्स नीडेड कितने होंगे, फ्लोरीन को एक चाहिए होता, 3 फ्लोरीन को 3 चाहिए, लोन पेयर कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड by side atom divided by 2 कितना हो जाएगा 5 minus 3 by 2 which is equals to 1, atoms attached कितने मेरे पास 3, तो अगर मैं बोलूं steric number क्या आएगा, steric number आएगा मेरे पास 3 atom attached plus 1 lone pair equals to 4 which is equals to sp3 hybridization, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट करें, ठीक है, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, CCl4 की बात करी मैंने, ठीक है ना, किसकी बात करी, CCl4, देखो इधर
क्वेश्चन नंबर 5 CCl4 CCl4 सेंट्रल एटम क्या होगा बेटा, इसमें सेंट्रल एटम विल बी कार्बन। मैंने आपको बताया जो कम अमाउंट में होता है वो सबसे सेंट्रल एटम होता है, तो कार्बन सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4। इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, क्लोरीन को कितने चाहिए होते हैं 1, क्लोरीन को 1, 4 प्रोटीन को 4। लोन पेयर कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास लोन पेयर 0 आ गया। स्टेरिक नंबर जब मैं निकालना चाहूंगा तो स्टेरिक नंबर क्या निकलेगा, स्टेरिक नंबर क्या निकलेगा, स्टेरिक नंबर निकलेगा एटम्स अटैच 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपने आप को फोकस करो, और फोकस जैसे ही करोगे आंसर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं। CCl4 किया हमने, अब CCl4 के बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, चलो नेक्स्ट क्या है, CCl4 के बाद क्या आया मेरे पास, CH3+ 6 CH3+ डिफरेंट प्लस चार्ज, अभी तक नहीं देखा हमने कोई प्लस चार्ज, पहली बार देखेंगे, ठीक है। CH3+ क्या हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, चलो ठीक है। देखो अभी भी सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। कार्बन पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, सिर्फ कार्बन पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ कार्बन पूछ रहा हूं। कार्बन पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो कार्बन पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने होंगे 4। कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 ही होंगे, एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरह से रहेगा 2s2p रहेगा कि नहीं रहेगा। अब अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को गायब करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गायब करना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। विच मीन्स अगर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मेरे पास चार्ज क्या बचा, पॉजिटिव 1। तो मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बचे, 3। यहां से एक कॉन्सेप्ट याद रखो, यहां से एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर प्लस आता है तो मैं सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। एक प्लस आता तो एक इलेक्ट्रॉन, दो प्लस आता दो इलेक्ट्रॉन। अगर माइनस आता है तो मैं सेंट्रल एटम पे माइनस पे इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा। अभी हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालने की बात कर रहे हैं। जब मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा तब मैं बताऊंगा कि चार्ज एक्चुअली में किस पे होता है, लेकिन फॉर द टाइमिंग आपको एक चीज याद रखनी है, पॉजिटिव चार्ज आए तो सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, नेगेटिव चार्ज आए सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डाल दो। जितना भी नेगेटिव चार्ज उतना सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन, जितना भी पॉजिटिव चार्ज उतना सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर। ये बात समझ आती है, चलो आगे बढ़े। देखो कितना चार्ज, प्लस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तीन हाइड्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इफ वन हाइड्रोजन रिक्वायर्स वन इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन विल रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन। सिंपल एज, इलेक्ट्रॉन नीडेड, ईएन रिप्रेजेंट, ईएन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, सिंपल एज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम। लोन पेयर कितना हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा बेटा 0। यहां से तो अब तो आने लग गया होगा तुम्हें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। किया गया 0, ये बात समझ आती है, लोन पेयर हो गया 0। तो स्टेरिक नंबर की जब मैं बात करूंगा तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा मेरे पास एटम्स अटैच, कितने एटम्स अटैच हैं 3, लोन पेयर कितने हैं 0, स्टेरिक नंबर हो गया 3। अगर 3 स्टेरिक नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी मेरी sp2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। कार्बो कैटायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्बो कैटायन, कार्बन का है और कैटायन है, तो कार्बो कैटायन उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, कितने थे 30 क्वेश्चन दिया था ना, कितने कितने कर रखे, ये चीज याद रखना कि अगर तुम लोगों ने सारे, किसी ने अगर सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी ने 25% से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए तो उसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, किसी ने 20 से कम किए हैं तो यहां से सीखो। और याद रखना कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इन 30 में से क्वेश्चन आएगा, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इन 30 में से क्वेश्चन आएगा, इससे अलावा बाहर का उनके पास बनता ही नहीं, एक दो और बन जाते होंगे, वो मैं एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। देखो मेरे पास क्या बना, CH3+ 7th, 7th की बात करेंगे, 7th है मेरे पास, 7th है मेरे पास, 7th क्या है, CF3 माइनस मेरे पास, ठीक है। इसका निकालना है, अगेन
वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? चार। अगर माइनस ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, विच मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? पांच। अगर अभी किसी को समझ नहीं आया तो जाके पोगो देखो, इधर देखो दोबारा से, आपके पास क्या है? 1s2, 2s2, 2p2 ये इलेक्ट्रॉन है, इस नॉर्मल स्टेट है। अगर इसको माइनस करना है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, विच मींस ये क्या हो जाएगा? 2s2 2p3, तभी तो माइनस चार्ज आएगा, विच मींस वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? पांच। वैलेंस शेल में पांच रखोगे सेंट्रल एटम के, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम कितने होंगे? तीन। लोन पेयर अगर मेरे को निकालना है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टू, विच इज इक्वल टू वन। यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास ये आ गया, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? यहां से आपके पास स्टेरिक नंबर आ जाएगा। स्टेरिक नंबर क्या होगा? स्टेरिक नंबर होगा एटम्स अटैच्ड, तीन एटम अटैच्ड हैं, एक लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर आया फोर, हाइब्रिडाइजेशन आई sp3, हाइब्रिडाइजेशन आई sp3। ये बात समझ आती है? हाइब्रिडाइजेशन आई आपकी sp3, सिंपल एज दैट। कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई मुश्किलात नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें नहीं आती। बस वही चीज है कि आपको कॉन्सेप्ट सही लगाना है, और कैसे लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। What I am doing here is, I am simply applying the concept. What I told you, when I have a negative charge, I place an extra electron on the central atom. When I have a positive charge, I remove an electron from the central atom. And when I do so, it means the charge will be there. And if the charge is there, I am removing it from the central atom, because right now I am just drawing the hybridization and not drawing the structure. So understand this fact. Right now, if I'm saying a molecule is charged, so you need to remove, if it is positive charge, you need to remove the amount of electrons from the central atom, and if it is negatively charged, you need to place the extra electrons on the central atom, and through that, that will define the valence electrons, and from the valence electrons, you can say electron needed by side atoms is simple. Through that, you can easily find out lone pair, and through those lone pair, you can easily find out the steric number, and from that steric number, you can easily find out the hybridization. ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ करा हमने, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ करा हमने, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ के बाद क्वेश्चन नंबर क्या आता है? एट। काउंटिंग तो आती है ना, कौन या काउंटिंग भूल गए? काउंटिंग याद रखो। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में क्या था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर एट में हमारे पास SO3 2 माइनस, क्वेश्चन नंबर एट में हमारे पास SO3, क्वेश्चन नंबर एट में है SO3 2 माइनस। चलो इधर देखो, SO3 2 माइनस क्या होगा? सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द वैलेंस शेल ऑफ सल्फर। 2 माइनस आया तो कितने हो गए? 2 माइनस इज द चार्ज ऑन दैट, कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरे पास कितने? कितने हो गए? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय साइड एटम कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय साइड एटम कितने होंगे? एक ऑक्सीजन को चाहिए होंगे 6, एक ऑक्सीजन को चाहिए 2, तीन ऑक्सीजन को चाहिए होंगे 6, एक ऑक्सीजन को चाहिए 2, तीन ऑक्सीजन को चाहिए होंगे 6। अगर मैं बोलूं आपके पास लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम डिवाइडेड बाय 2, व्हिच इज इक्वल्स टू 1। मेरे पास क्या आ गया? एक लोन पेयर आ गया। अगर लोन पेयर एक है तो साइड एटम्स कितने हैं मेरे पास? साइड एटम्स कितने हैं? एटम्स अटैच कितने हैं? एटम्स अटैच है मेरे पास 3, एटम्स अटैच 3, एक क्या है मेरे पास? लोन पेयर। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? 3 + 1, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? स्टेरिक नंबर इज 4, देयरफॉर द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। बात समझ आती है? बात समझ आती है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड हियर, ठीक है ना? हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन छोड़ा है NO2 वाला, उसको मैं जिस दिन VSCPR खत्म करता हूं, जिस दिन मैं ऑल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बताता हूं, उस दिन आप खुद ही उस क्वेश्चन को करोगे सॉल्व, ठीक है? बट फॉर द टाइम बी तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या रखा है? SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, तो सीधा भाई है, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है? सल्फर पे अगेन 2 माइनस है तो क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम्स कितने होंगे? अब यहां पर 4 ऑक्सीजन है, अगर 4 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन को 2, 4 ऑक्सीजन को 8। अगर मैं लोन पेयर की बात करूं, लोन पेयर कितना हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम डिवाइडेड बाय 2, व्हिच इज इक्वल्स टू 0, तो लोन पेयर आ गया 0। अगर लोन पेयर 0 आ गया तो आपके पास स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा?
स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा आपके एटम्स कितने आ जाए चार एटम्स आ जाए स्टेरिक लोन पर कितना है जीरो तो स्टेरिक नंबर हो गया चार अगर स्टेरिक नंबर चार हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3 बस समझ आती है ये बात समझ आती है क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो किसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं किसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सेंट्रल एटम को कैसे देखना है जो कम इन अमाउंट होगा वही सेंट्रल एटम है सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो पहली चीज सेकंड चीज क्या करो इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम देखो साइड एटम को कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है मेरे को ऑक्सीजन को कितने जरूरत होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन तो साइड एटम को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए दो इलेक्ट्रॉन एक को दो चाहिए चार को आठ चाहिए अगर लोन पर की बात करो लोन पर क्या होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस द इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय द साइड एटम डिवाइडेड बाय 2 अगर डिवाइडेड बाय 2 की बात करें तो कितना होगा लोन पर 0 क्योंकि 8 माइनस 8 तो 0 होता है और 0 बाय 2 तो बचपन से पढ़ रहे हैं 0 होता है इंफिनिटी तो नहीं लिख रहा कोई चलो स्टेरिक नंबर की बात करें स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा एटम्स अटैच्ड प्लस लोन पर एटम्स अटैच्ड कितने हैं एटम्स अटैच्ड 4 हैं लोन पेयर कितने हैं 0 अगर लोन पेयर 0 एटम्स अटैच्ड 4 तो आपका कितना आ जाएगा स्टेरिक नंबर 4 अगर द स्टेरिक नंबर इज 4 द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा देखो उधर क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है PCl3 क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है PCl3 अगेन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस सेंट्रल एटम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा पांच बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पांच ठीक है सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम कितने होंगे एक क्लोरीन को चाहिए एक तीन क्लोरीन को चाहिए तीन ठीक है आपके पास आगे लोन पे कितना आ गया बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 1 स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा बेटा स्टेरिक नंबर हो जाएगा मेरे पास साइड एटम्स अटैच 3 प्लस एक लोन पेयर इक्वल्स टू 4 अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा मेरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3 ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या है PCl5 PCl5 है और फिर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा PCl5 क्या होगा बेटा PCl5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे फास्फोरस से पांच ही रहेंगे हमेशा पांच ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम कितने होंगे अब क्लोरीन को एक चाहिए कितने क्लोरीन है पांच क्लोरीन कितने क्लोरीन है पांच क्लोरीन तो पांच क्लोरीन लगा दो कितने क्लोरीन लगा दो पांच इलेक्ट्रॉन नीडेड लोन पर कितना आ जाएगा लोन पर हो जाएगा 0 5 माइनस 5 बाय 2 लोन पर हो जाएगा 0 अगर लोन पर 0 हो गया अगर लोन पर 0 हो गया तो आपका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा स्टेरिक नंबर विल बी इक्वल टू एटम्स अटैच्ड प्लस लोन पर लोन पर तो 0 है एटम्स अटैच कितने 5 तो 5 लिख लो व्हिच इज इक्वल टू 5 प्लस 0 है ना तो व्हिच इज इक्वल टू 5 और 5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखी थी हमने sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखी थी हमने sp3d तो स्टेरिक नंबर अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 POCl3 दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 राइट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 यस हां जी फास्फोरस पे कितने होंगे अगेन वही चीज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो अगेन वही है 5 इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम पर यहां पर अब दो साइड टाइप ऑफ साइड एटम आ गए टोटल का कैलकुलेट कर लो क्लोरीन को कितने चाहिए होते हैं एक तो तीन क्लोरीन को कितने चाहिए तीन ऑक्सीजन कितने चाहिए दो तो तीन प्लस दो इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम कितने हो जाएंगे 5 क्या कोई लोन पेयर बचेगा लोन पेयर इसमें नहीं बचेगा 5 माइनस 5 बाय 2 इक्वल्स टू 0 स्टेरिक नंबर की बात करूं तो स्टेरिक नंबर क्या होगा बेटा स्टेरिक नंबर की बात करूं स्टेरिक नंबर क्या होगा एटम्स अटैच्ड प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू अब ये कितना हो जाएगा 5 सॉरी एटम्स कितने अटैच्ड हैं एटम्स कितने अटैच्ड हैं लोन पेयर तो 0 है मेरे पास एटम्स कितने हैं 3 प्लस 1 4 एटम्स अटैच्ड हैं चार एटम्स अगर चार एटम्स होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3 क्वेश्चन नंबर 11 हो गया 13 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या है क्वेश्चन नंबर मेरे पास xcf6 है क्वेश्चन नंबर 13
XeF6 क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अगेन मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ज़ीनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा, ज़ीनॉन क्या है, इनर्ट गैस है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 ही होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो 8 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम कितने होंगे बेटा, 6। फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन को एक चाहिए होता है, 6 फ्लोरीन को 6 चाहिए होंगे। लोन पेयर कितने होंगे बेटा, लोन पेयर होगा आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 1, तो लोन पेयर आ गया। अगर मैं स्टेट नंबर की बात करूं उसमें, अगर मैं स्टेट नंबर की बात करूं तो स्टेट नंबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीडेड एटम्स अटैच्ड कितने हैं, 6, और लोन पेयर कितना होगा, 7। अगर 7 स्टेट नंबर आता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है बेटा, sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3d3। अगर 7 आता तो क्या होता है, sp3d3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, मैं हर एक क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं बेटा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो यहां से समझिए और फिर इनको सॉल्व कीजिए क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरे पास, XeOF4। अगेन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे मेरे पास, 8। इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम कितने रहेंगे मेरे पास, अब देखो इलेक्ट्रॉन नीडेड फ्लोरीन को कितने चाहिए होते हैं, एक फ्लोरीन को एक चाहिए होता है, 4 फ्लोरीन को 4 चाहिए, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। विच मींस अगर मैं ये बोलूं तो लोन पेयर कितना हो जाएगा बेटा, लोन पेयर हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 1। ये बात समझ आती है। अगर मैं स्टेरिक नंबर की बात करूं, तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा कितने साइड एटम्स हैं, साइड एटम्स देखो 4 इधर हैं और एक इधर है, तो कितने हो गए, 5 साइड एटम्स प्लस एक लोन पेयर व्हिच इज इक्वल टू 6, व्हिच मींस द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हुआ, क्वेश्चन नंबर 15, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे 4, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, राइट। साइड एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 ऑक्सीजन को, 2 फ्लोरीन को, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम 6, लोन पेयर अगर कैलकुलेट करूं तो लोन पेयर कितना हो जाएगा बेटा, वही 8 - 6/2 = 1। अब अगर मैं एटम्स अटैच की बात करूं तो एटम्स अटैच कितने हैं, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन 4, तो स्टेरिक नंबर की बात करूं, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 4 + 1 व्हिच इज इक्वल टू 5। अगर 5 अगर स्टेरिक नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, sp3d, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। बात समझ आती है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट XeO3 बात करेंगे। XeO3, अब XeO3 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगेन X8, इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय साइड एटम कितने होंगे बेटा, अब अगर ध्यान से देखो तो 6 तो चाहिए क्योंकि एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए होता है, 3 ऑक्सीजन को 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। लोन पेयर कितना होगा बेटा, अगेन लोन पेयर 8 - 6/2 = 1, एटम्स अटैच कितने हो गए, 3, स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3 + 1 = 4, अगर 4 स्टेरिक नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। सिंपल आंसर, कोई डिफिकल्टी नहीं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, इससे डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जब उनका मन करता है ना कि आसान पेपर बना दें, तो आसान पेपर में ये क्वेश्चन भी डाल देते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है ना, किसके हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मैच कर रहा है, किससे मैच कर रही है, ठीक है, ये भी पूछ लेता हूँ कई बार। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी 16 हो गए, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 17 था आपके पास SOCl2, क्वेश्चन नंबर 17 था आपके पास SOCl2। अब SOCl2 का आपको बताना है, तो SOCl2 क्या होगा, सेंट्रल एटम कौन होगा, देखो सेंट्रल एटम को मैंने आपको पहला फंडा बताया था कि पहली चीज आपको देखनी है कि कौन कम अमाउंट में है, उसके बाद ये देखना है कि कौन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है,
ठीक है। फर्स्ट थिंग, सेंट्रल एटम के लिए प्रायोरिटी क्या है, सेंट्रल एटम की प्रायोरिटी क्या है, लेस इन नंबर, पहली चीज तो आप ये देखोगे, ठीक है। दूसरी चीज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर दोनों चीजों को काउंट करो तो इसमें लेस इन नंबर सल्फर और ऑक्सीजन है, बट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर। तो इसकी वजह से सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, सल्फर। सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, सल्फर। अब सल्फर पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर पे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने हो गए, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने हो गए, 6। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6 हैं, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम कितने होंगे, क्लोरीन को चाहिए होते हैं 2, ऑक्सीजन को चाहिए होते हैं 2, एक क्लोरीन को चाहिए होते हैं 1, तो 2 क्लोरीन है ना बेटा, वहां 2 क्लोरीन है ना, तो 2 क्लोरीन को कितने चाहिए होंगे, 2, और एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए होगा, 2। तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू ऑक्सीजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन बाय ईच क्लोरीन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स नीडेड विल बी 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो लोन पे कितना हो जाएगा बेटा, 6 - 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय 2, व्हिच इज इक्वल्स टू 1। अगर 1 आ गया तो आपके पास स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर होगा एटम्स अटैच, एटम्स अटैच कितने हैं, 3, लोन पे कितना है 1, टोटल कितना हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3, ठीक है ना, बात समझ आती है। नेक्स्ट आपके पास SO2Cl2, नेक्स्ट आपके पास क्या है, SO2Cl2। 18th question number क्या होगा इसमें बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगेन सल्फर, अगेन सल्फर, लेस इन अमाउंट, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे, 6, इलेक्ट्रॉन नीड बाय साइड एटम, एक ऑक्सीजन कितना चाहिए बेटा, 2, दो ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे, 4, दो ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे, 4, अगर दो ऑक्सीजन को 4 चाहिए, क्लोरीन को 2 चाहिए, तो टोटल कितने रिक्वायर्ड है, 6। अगर 6 रिक्वायर्ड है तो लोन पे कितना हो जाएगा बेटा, 6 - 6 / 2 = 0। अगर मैं स्टेरिक नंबर की बात करूं तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा आपके पास कितने एटम्स अटैच्ड हैं, एटम्स अटैच्ड हैं मेरे पास 4, लोन पे है मेरे पास 0, स्टेरिक नंबर विल बी 4, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। बस हो जाती है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। 18 हुआ, 19 की बात करते हैं। 19 में मैंने आपको दिया था PO4 3-, 19 में आपको दिया था PO4 3-, ठीक है ना, PO4 3-, 19 नाम क्वेश्चन दिया था। अगेन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पास सेंट्रल एटम फास्फोरस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फास्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, राइट, फास्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज लगा है, और अगर नेगेटिव चार्ज लगा है विच मींस टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, प्लस नेगेटिव कर दो, कितने नेगेटिव हैं, 3 नेगेटिव है, विच मींस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8। अभी हम बात नहीं कर रहे कि वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बट इन जनरल मैं आपसे बोल रहा हूं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम्स कितने होंगे, हर ऑक्सीजन कितने चाहिए होते हैं, 2, तो 4 ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे, 8, तो 8, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर आप बोलो सीधा कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नीड बाय साइड एटम, लोन पेयर तो 0 ही होंगे, ठीक है। अगर लोन पेयर 0 हो गए तो आपका स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा, स्टेरिक नंबर आ जाएगा साइड एटम्स कितने हैं, एटम्स अटैच हैं आपके पास 4, लोन पेयर आपका 0, क्या हो जाएगा, 4 की वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बेटा, sp3, 4 की वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हुआ, क्वेश्चन नंबर 19 हुआ, क्वेश्चन नंबर 20, लेकिन अब 2 माइनस भी लगा हुआ है इसमें, 2 माइनस की वजह से कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6। इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय साइड एटम्स, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा, ऑक्सीजन को कितने चाहिए होते हैं, एक ऑक्सीजन को 2, 3 ऑक्सीजन को 6। अगर मैं आपसे लोन पेयर की बात करूं, लोन पेयर कितना हो जाएगा, आप तो याद हो जाना चाहिए, 6 में से 6 गया 0, 0 को 2 से डिवाइड करो तो 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं स्टेरिक नंबर की बात करूं तो स्टेरिक नंबर कितना होगा बेटा, इसमें स्टेरिक नंबर होगा आपके पास 0, साइड एटम कितने हैं उसका, 3, कितना हो जाएगा, 3। अगर 3 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, वो टेबल याद है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। 20 क्वेश्चन हो गया, 21 है मेरे पास H2O, H2O, ठीक है ना, 21 में क्या है मेरे पास H2O, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है H2O, तो H2O क्या है, H2O
ठीक है ना। अब H2 में सेंटर एटम ऑक्सीजन, सेंटर एटम ऑक्सीजन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जब मैं बात करता हूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा पहली क्राइटेरिया फॉर सेंट्रल एटम इज लेसन नंबर, सेकंड क्राइटेरिया इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेसन नंबर कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर लेसन नंबर है तो वो सेंट्रल एटम, अगर वो सेंट्रल एटम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सिक्स, सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, एक हाइड्रोजन को एक, दो हाइड्रोजन को दो, टोटल रिक्वायर्ड इज टू, तो देयरफॉर लोन पेयर विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2 बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 4, सॉरी व्हिच इज इक्वल्स टू 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 2। दो लोन पेयर हो गए, अगर लोन पेयर दो हो गए साइड एटम्स कितने हैं, स्टेरिक नंबर क्या आएगा, स्टेरिक नंबर आएगा एटम्स अटैच, एटम्स अटैच कितने हैं दो, तो साइड एटम है कि नहीं है, ठीक है। और लोन पेयर कितना है दो, कितना हो जाएगा चार, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 OCl2 सिमिलर हो जाएगा, कर लोगे OCl2 सिमिलर ही हो जाएगा बेटा, अगर आपको ध्यान नहीं है तो OCl2 दोबारा देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगेन सेंट्रल एटम कौन होगा ऑक्सीजन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो कितना हो गया दो, तो दो क्लोरीन को दो, ठीक है। लोन पेयर कितना हो जाएगा बेटा, लोन पेयर हो जाएगा 6 माइनस 2 बाय 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर अगेन हो जाएगा दो एटम्स अटैच हैं, दो लोन पेयर हैं 4, व्हिच मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 OCl2 NO3 माइनस। चलिए NO3 माइनस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, 21 तो ये था ना, 22 नहीं है, 23 है, ये 22 था, ये 23, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 क्या है, NO3 माइनस। अब NO3 माइनस की अगर बात करूं तो माइनस है, नाइट्रोजन पे कितना होता है, नाइट्रोजन विल बी सेंट्रल एटम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, लेकिन नेगेटिव चार्ज आ गया तो 5+1 कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम कितने होंगे, एक ऑक्सीजन को दो चाहिए होता है तो तीन ऑक्सीजन को 6 चाहिए होंगे, तो अगर मैं लोन पेयर की बात करूं, लोन पेयर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब मैं अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो स्टेरिक नंबर क्या होगा, स्टेरिक नंबर होगा एटम्स अटैच, कितने एटम्स अटैच है 3, लोन पेयर कितने हैं 0 व्हिच इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, ठीक है ना। नेक्स्ट sf4, नेक्स्ट आपके पास 24 क्या है SF4, सेंट्रल एटम अगेन, सेंट्रल एटम का सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम 4, एक फ्लोरीन को एक चाहिए, चार फ्लोरीन को चार चाहिए, लोन पेयर 1, कैसे 1 निकाला हमने 6 माइनस 4 बाय 2 इक्वल्स टू 1, स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा बेटा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4+1, चार एटम अटैच्ड हैं और एक लोन पेयर है, चार एटम अटैच्ड हैं और एक लोन पेयर, व्हिच इज इक्वल टू 0, सॉरी व्हिच इज इक्वल टू 5, ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू 5, हूज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। नेक्स्ट आपके पास PCl4, PCl4+, मेरे पास नेक्स्ट क्या है PCl4+, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है PCl4+, नहीं PCl4+ है माइनस में, PCl4-, क्वेश्चन नंबर 25 इज PCl4-, ठीक है। अगेन सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सेंट्रल एटम पे 5 होते हैं, फास्फोरस पे क्योंकि नेगेटिव है तो 6 हो गए, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम कितने होंगे, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चार क्लोरीन को चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 हो गया, लोन पेयर कितना हो गया बेटा, लोन पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं आपके पास कि ये आपके पास ये है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर की मैं बात करूं स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, साइड एटम्स कितने अटैच हैं, एटम्स अटैच हैं 4, एक लोन पेयर हो गया 5, 5 की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3
डी, हाइब्रिडेशन क्या हो गई sp3d। ठीक है, नेक्स्ट आपका pcl4+। pcl4+ 26+। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के कितने होते हैं? 5 हो गए, लेकिन प्लस आ गया तो कितने हो जाएंगे? 4। अगर वो 4 हो जाते हैं, अगर वो 4 हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम कितना होगा? एक फ्लोरीन को चाहिए ओ एक, तो 4 फ्लोरीन को चाहिए 4। अगर मैं बोलूं लोन पर कितने, तो लोन पर कितना हो जाएगा? 4 - 4/2 = 0। अगर 0 का तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? स्टेरिक नंबर हो गया मेरे पास कितने साइड एटम्स अटैच है? 4। लोन पर कितना है? 0 = 4। अगर ये 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा? इसकी sp3। हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। नेक्स्ट NH4+ NH4+ 26 के बाद 27 NH4+। ठीक है, अब NH4+ में देखो, NH4+ में क्या होगा? नाइट्रोजन में 5, लेकिन अब प्लस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 4। अगर 4 आ गया तो इलेक्ट्रॉन नीड पे साइड एटम, हर हाइड्रोजन कितने चाहिए? 4। 4 चाहिए कितने चाहिए? एक हाइड्रोजन को एक चाहिए, 4 हाइड्रोजन को 4 चाहिए। तो लोन पे कितना हो गया बेटा? लोन पे हो गया 4 - 4/2 = 0। साइड एटम्स कितने हैं हमारे पास? साइड एटम अटैच मतलब ये एटम्स अटैच कितने हैं? 4 है, 4 एटम्स अटैच 0 लोन पे, स्टेरिक नंबर = 4, हुज हाइब्रिडाइजेशन = sp3, हुज हाइब्रिडाइजेशन = sp3। नेक्स्ट क्या है? XeF5। अच्छा XeF5 है, इसको भी आप रोक के रखें, जब मैं ऑर्डर ऑफ स्पीशीज पढ़ाऊंगा तो XeF5 का आंसर आ जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा उसका आंसर। ठीक है ना, तो XeF5 को भी आप रोक के थोड़ा सा रखें, थोड़ा सा मतलब BACPR के बाद बता देंगे, मतलब 2 या 3 लेक्चर बाद वो आ जाए। ठीक है, चलिए 26 के बाद 27 हो गया, 28 भी हो गया, 29 की बात करते हैं। ठीक है ना, 29 की बात करते हैं। ठीक है, 29 में क्या है आपके पास? BrF5, इसको बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम इनको? इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। अब Br में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? Br के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसके? 7। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, कैसे पता चला बेटा? अगेन वही 1s2, आप इस तरह से लिखते जाओगे तो यह आ जाएगा 4s2 4p5, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगी, बीच में 3d10 आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7 हो गए। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 7 हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा आपके पास? 7। ठीक है, अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए तो आपके पास क्या आएगा? अगेन अब अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम कितने होंगे? फ्लोरीन को चाहिए होते हैं 4, सॉरी BrF4 है, नहीं BrF5 है, सॉरी BrF5। ठीक है, तो एक फ्लोरीन को चाहिए होते हैं 5, 5 फ्लोरीन को चाहिए होते हैं 1, फ्लोरीन को चाहिए होते हैं 1, 5 फ्लोरीन को चाहिए होते हैं 5। तो आपके पास लोन पेयर कितने हो गए बेटा? 7 - 5/2 = 1। तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया आपका? स्टेरिक नंबर हो गया एटम्स अटैच 5 हैं, एक लोन पेयर है, टोटल हो गया 6। हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 SO4 SOF4 देखो, अगेन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर। तो सल्फर अगर सेंट्रल एटम है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसमें? 6। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम्स, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम्स, एक ऑक्सीजन को चाहिए होते हैं 2 और 4 ऑक्सीजन, 4 फ्लोरीन को चाहिए होते हैं 4, तो टोटल कितना होगा? 6। तो लोन पेयर कितना बचेगा बेटा? लोन पेयर बचेगा इसमें 0। अगर लोन पेयर 0 है तो आपके पास स्टेरिक नंबर क्या आएगा? स्टेरिक नंबर क्या आएगा? स्टेरिक नंबर आपका सिंपल आएगा, स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा? एटम्स अटैच, कितने एटम्स अटैच हैं? 5 एटम्स अटैच हैं, कितने लोन पेयर हैं? 0, तो कितना हो जाएगा? 5। हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3d, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन। सो दिस इज इट फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट्स हैं। होपफुली आपको सारे सारे रिएक्शन क्वेश्चंस करे होंगे, और नहीं किए तो अब आपको समझ आ गए होंगे कैसे करने हैं। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, उसका इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट बेसिकली था क्या? हमने जब देखा कि VBT फेल हो रही है, जहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोला गया हाइब्रिडाइज। उसने बोला कि आपके पास जो बैलेंस शेल है, जो बॉन्ड बनाते हैं, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा।
वैलेंस शेल हैं जो बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप अच्छी प्रॉपर्टीज उठाते हो ना, आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हो ना, आप हाइब्रिड सीड्स बनाते हो, ठीक है, जिनकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है, वैसे यहां पर क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी वजह से बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, बेटर होगी। तो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाओगे किसके बीच में, वैलेंस ऑर्बिटल्स के बीच में। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे, अगर आपने चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज किए तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, अगर आपने पांच एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज किए तो पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, अगर आपने छह एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज किए तो छह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये बात समझ आती है? तो इस तरह से आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तभी कंबाइन करेंगे जब उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर हो, शेप डिफरेंट हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनर्जी इज ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, विच मीन्स दे ट्राइंग टू से कि वो एक ही शेल के पार्ट होनी चाहिए, विच मीन्स दे ट्राइंग टू से वो किसके पार्ट होनी चाहिए, एक ही शेल के पार्ट होनी चाहिए, विच मीन्स अगर मैं 3s यूज करूँ तो मैं 3p और 3d यूज करूंगा, अगर मैं 4s यूज करूँ तो 4p और 4d यूज करूंगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो एक शेल के पार्ट होनी चाहिए, ये बात समझ आती है? जब वो कंबाइन करेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जीज और शेप क्या होंगे, सिमिलर होंगे, जो उनकी एनर्जी और शेप क्या होंगे, सिमिलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 सीड में से, मैं 10 लोगों में से अच्छी प्रॉपर्टी निकाली, किसकी, हार्डवर्किंग की, और 10 लोगों में से इंटेलिजेंस की प्रॉपर्टी निकाली और आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो लोग तो नहीं चेंज होंगे ना, नंबर ऑफ लोग तो वही रहेंगे, बस उनमें प्रॉपर्टीज अच्छी हार्डवर्किंग भी आ जाएगी और इंटेलिजेंस वाली भी आ जाएगी। वही चीज यहां हुई कि मैंने क्या किया कि आपके पास जो ऑर्बिटल्स थे उनमें से प्रॉपर्टीज को मिक्स कर दिया, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अगर मैंने चार ऑर्बिटल्स यूज किए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज किए, तो मैं चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाऊंगा। ये बात समझ आती है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात इसमें बहुत, चौथी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट की थी कि पाई बॉन्ड नहीं बनाता, पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बनाता हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। उसका रीजन बताएंगे आपको जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, रीजन बताऊंगा क्यों पाई बॉन्ड नहीं बनाता। एंड पांचवी बॉन्ड एक ही कंडीशन में, बेंजाइन की कंडीशन में आता है, बाकी किसी भी कंडीशन में नहीं बनाता। दिस इज अबाउट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अच्छी प्रॉपर्टीज को लेकर एक मिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना जिसकी वजह से बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर होगा और स्टेबिलिटी भी आएगी कंपाउंड। And this was the concept of hybridization, which defines most of the atomic molecules. Most of the molecules को define करता है, ठीक है? So hopefully आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, दोबारा practice करिए क्वेश्चन को, आपको hybridization निकालना समझ आ जाएगा। उसके बाद हम BSc पर theory शुरू करेंगे, जो hybridization का थोड़ा extended run है, और उसमें हम समझेंगे कि हम structures को कैसे देखते हैं, क्यों pi bond का involvement नहीं होता और किस तरह से उसका behavior होगा, ठीक है ना? So आज के लिए